सो गाइज, वी हैव फाइनली रीच टू CST स्टेशन, जहाँ से हमारी नासिक के लिए ट्रेन थी। हमने 3 बजे कुछ ट्रेन बोर्ड किया था। 3 आवर्स 50 मिनट्स का हमारा ट्रैवलिंग था और हमें इतनी मज़ा आई। मैंने और मेरी कज़न ने साथ में बैठ के मूवी देखी एंड वी हैड स्नैक्स एंड एवरीथिंग। उसके बाद हम वहाँ पहुँच गए थे रात में, और ये वही मंडप था जहाँ हल्दी मेहंदी की रस्म हुई थी। हम थोड़ा लेट पहुँचे थे। रसम के बाद वी हैड डिनर और हमें रूम्स दिए गए थे। हमने वहाँ रात को स्टे किया। किसी को भी ठीक से नींद नहीं आई थी। फिर नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग हमने डिसाइड किया कि वॉक पे चले जाते हैं। ये मैं और मेरे कज़िन्स जा रहे हैं वॉक के लिए आगे। Hey guys, good morning and welcome back to my channel. I hope you all are doing extremely well. So guys, चलते चलते ही बात करते हैं। मैं अभी नासिक में हूँ और आज यहाँ हमारा पहला दिन है। ये पहली सुबह है और यहाँ बहुत ठंड है guys, और मैं क्या बताऊँ, मुंबई के मुकाबले यहाँ पे इतनी सर्द है। आपको एक्चुअली विंटर्स का फील यहाँ मिलता है। अभी मैं जा रही हूँ एक वॉक के लिए अपने कज़िन्स के साथ। थोड़ा बहुत हम लोग सुबह निकले हैं बाहर देखने के लिए यहाँ पे कैसा है सब कुछ, और हमें बिल्कुल सच कहूँ तो नींद नहीं आ रही थी रात भर, बिकॉज़ प्लेसेस चेंज होती है तो हमें नींद का भी इश्यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। मॉर्निंग में वहाँ पे टेम्परेचर बिलो 15 चले जाता था। थैंकफुली वी हैव कैरिड आवर वुलन क्लोथ्स। लकीली हमें सनराइज़ देखने को मिला था एंड इट वॉज सो ब्यूटिफुल। मूसा, से हाय टू माय व्लॉग। Hi guys, like and share this video and subscribe this channel. Thank you so much. मुसा, क्या करने निकला है तू इतनी सुबह? जॉग करने? Yes. चलो जॉग करते हैं। With my brothers and sister. अभी फिलहाल तो मेरे साथ है। Yes. और आपको कैसा लग रहा है यहाँ के? मस्त, बढ़िया। आपकी तो सस्ती कश्मीर बनी हुई है। Yes. सो गाइज, इससे मिलिए, ये है मूसा, ये मेरा कजिन है। मूसा, अपना फेस दिखाओ प्लीज। थैंक यू। वेयर फेस है। वी वर एंटरिंग इनटू एयरफोर्स एरिया, जहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह होती थी। लोग मॉर्निंग में जॉग के लिए वहाँ पे आया करते थे। इट वाज अ वेरी ब्रॉड प्लेन रोड। और ये मेरे कज़िन्स फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे थे। मैंने भी कुछ अच्छे पिक्चर्स कैप्चर किए थे वहाँ पे। घर आने के बाद वी हैड आवर ब्रेकफास्ट, और मैं अक्सर वहाँ बाहर बैठ के वीडियोस की एडिटिंग वगैरह करती थी। मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगता था। हम आए तो शादी के घर में थे, लेकिन दोपहर में कोई रस्म वगैरह नहीं हुआ करती थी। सो हमने सोचा यहाँ का मार्केट देख लेते हैं। जैसे कोई ना कोई प्लेस का कुछ ना कुछ स्पेशल होता ही है, वैसे ही नासिक का कैंप मार्केट वहाँ से कुछ ही दूरी पे था। हम हमारे रिलेटिव्स की ही पहचान वाले अंकल थे, वो हमें ऑटो में लेके गए थे। और ये जो आप देख रहे हैं, ये सब फौजियों की ट्रेनिंग एरिया है। यहीं पे उनके क्वार्टर्स वगैरह बने हुए हैं। Oh, you make me wanna talk.
जैसे कि आप देख रहे हैं गाइस, मार्केट स्टार्ट हो चुका था एंड इट वाज अ वेरी बेसिक स्ट्रीट मार्केट. शॉप्स भी थी वहाँ पे कॉस्मेटिक्स की, कुछ वुलन स्टफ्स मिल रहे थे और ऐसे ज़्यादा कुछ वहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं थी. बट या मैंने भी अपने लिए कुछ लिया है, मैं आपको बाद में बताऊँगी. गुड आफ्टरनून गाइज, और अभी बज रहे हैं दोपहर के कुछ 2 और मैं यहाँ पे अपने रिलेटिव्स के साथ आई हूँ नासिक के मार्केट में. जैसा कि आप देख सकते हैं आप पीछे साइड काफी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मिल रही है. मैंने भी कुछ लिया है, मैं आप लोगों को घर पहुँच के बताऊंगी और आप लोग बने रहिए, वीडियो ले जाओ. बिल्कुल लो बेटा. सो गाइज, हम लोग ने थोड़ी बहुत सामान ले चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं ड्राई फ्रूट्स लेने के लिए. देखते हैं आपके ड्राई फ्रूट्स कैसे हैं. लेट्स ट्राई. थैंक यू अंकल, बाय बाय. सो लेट मी कैच यू.